तीन दिन से एसओजी की टीम तिब्बती लाल के पीछे और उत्तराखंड से ट्रेस करती हुई टीम केदारनाथ पहुंची। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। कह सकते हैं कि राजस्थान के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एसओजी को एक बड़ी सफलता मिली है। मेरे सहयोगी सत्यनारायण जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, जिसने पूरे राजस्थान में रीट भर्ती को लेकर सवाल खड़े करवा दिए, एक ऐसा बत्ती लाल जिसके ऊपर सवाल भी बहुत थे और ऐसा लग रहा था उसने पूरे सिस्टम की बत्ती लगाकर रख दी, आखिरकार उसको पकड़ा गया और वो भी कहां से? केदारनाथ से। बिल्कुल विजेंद्र, काफी हद तक माना जा रहा था कि बत्तीलाल के पोल्ट्री कनेक्शन में बत्तीलाल हाथ में नहीं आ पाएगा, लेकिन एसओजी की टीम लगातार चिंता करती रही, कड़ी से कड़ी मिलाई। पहले जो पिता आरोपी थे गिरफ्तार किया और अंत में आज बत्तीलाल तक जो एसओजी की टीम है वो पहुंच गई। लाखों जो लड़के थे, लाखों जो बच्चार्थी थे बीएड परीक्षा के, उनको उम्मीद रहने की एसोसिएशन की और लगातार लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे और बत्तीलाल की गिरफ्तारी की मांग से बत्तीलाल अभी हाथ में नहीं आया था। ऐसे में एसओजी को काफी प्रेशर था कि जल्द से जल्द मास्टरमाइंड है बीएड परीक्षा में किसान लिखा उसको गिरफ्तार किया जाए। तो आज लगातार पिछले तीन दिन से बत्तीलाल के पीछे उसकी टीम थी, पहले मध्य प्रदेश में, उसके बाद में उत्तराखंड और उत्तराखंड से ट्रैक करके आज टीम केदारनाथ बत्तीलाल को जयपुर की सरीके से लाया जाएगा वाया रोड लाया जा रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि रात के अंदर एसओजी के अधिकारी पूछताछ कर सकते हैं उससे, क्योंकि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाना सरकार के लिए बहुत बड़ी जरूरी है। क्योंकि जिस हिसाब से पेपर आउट की बात कर रहे थे, लगातार पॉलिटिकल जो प्रेशर था एसओजी के अधिकारी पर, तो उस पूरे प्रेशर को जानते हुए आज इस पूरे मामले का पर्दाफाश करते हुए मास्टर माइंड एसओजी की टीम पहुंच चुकी है और फिलहाल उसको लेकर एसओजी टीम जयपुर के लिए रवाना हो चुकी है। जैसे बच्चा जयपुर आएगा सबसे पहले उससे पूछताछ की जाएगी कि एक परीक्षा का पेपर उसको कहां से मिला और उसने उस पेपर को कहां कहां दिया। एसओजी के जो एडीजी है उन्होंने साफ कहा कि जिनके पास पेपर पहुंचे हैं वो भी आरोपी हैं, उन प्रतिभागियों को भी आरोपी बनाया जाएगा, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। सत्यनारायण, कौन कौन से अधिकारी इस वक्त केदारनाथ के अंदर मौजूद हैं जो उसको यहां पर लेकर आ रहे हैं? टीम में कितने सदस्य पहुंचे हैं? एक बता दूं आपको कि एसओजी की टीम टीमें गठित की थी, तीनों टीमों के अंदर करीबन दो निरीक्षक थे और जो मुख्य निरीक्षक था जो कि लगातार उसके पीछे चल रहा था, उस निरीक्षक ने ही अपने इसको अंजाम निभाते हुए मोहन पोस्टवाल, उसका नाम बताया जा रहा है, मोहन पोस्टवाल अपनी टीम के साथ में केदारनाथ पहुंचे थे। पहले उत्तराखंड से केदारनाथ और आज करीबन थोड़ी देर पहले बत्तीलाल और उसके साथी को उठा दिया गया है। ये बात भी सामने है कि बत्तीलाल एसओजी की टीम से बचने के लिए केदारनाथ पहुंचा था, लेकिन जो कड़ी से कड़ी मिलाते हुए और जो साइबर एक्सपर्ट की मदद करते हुए आज बत्तीलाल को जब में ले लिया गया है, फिलहाल उसको जयपुर के लिए लेकर टीम रवाना हो चुकी है। माना जा रहा है कि देर रात तक एसओजी की टीम है वो उसको जयपुर ले जाएगी, उसके बाद में पूछताछ की जाएगी। लेकिन ये बात जो पड़ी है विजेंद्र जी, इसमें अशोक ठाकुर ने साफ कहा है कि जिन जिन लोगों ने बत्तीलाल के पेपर लिए हैं, चाहे वो प्रतिशासी हो या फिर और अन्य व्यक्ति हो, उनको भी आरोपी बनाते हुए उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। अन्य साथी को भी हिरासत में लिया गया है, ये कौन है? क्या ये भी राजस्थान का रहने वाला या उत्तराखंड के अंदर बत्तीलाल को जो संरक्षण दे रहा था ये वो है? देखिए, हमारी जो एसओजी के अधिकारी बात है उनका साफ कहना है कि बत्तीलाल का जो साथी है उसका नाम उजागर नहीं किया, लेकिन ये बात बताया जा रहा है कि सवाई माधोपुर का वो निवासी है जो बत्तीलाल का खास मित्र है, जिसका पूरा हाथ इस पूरे कथित दांडी में उसका भी उतना ही हाथ है जितना अन्य जो आरोपी है 13 से गिरफ्तार हुए उसका हाथ है। तो उसको भी लेकर एसओजी के अधिकारी राम सिंह पूछताछ कर रहे हैं कि काफी पॉलिटिकल प्रेशर था एसओजी के ऊपर, बाकी पुलिस उसके ऊपर काफी प्रेशर था कि जल्द से जल्द बत्तीलाल को रखना दिया जाए, क्योंकि मास्टर माइंड हुई था और ये माना जा रहा था कि बत्तीलाल गिरफ्तार नहीं होगा, ऐसा कुछ अंदेशा जताया जा रहा था। लेकिन एक बार फिर से एसओजी कार्यप्रणाली ने स्पष्ट कर दिया कि कानून के हाथ काफी लंबे होते हैं, क्योंकि कोई भी बदमाश हो, कोई भी बदमाश कानून के हाथ से बड़ा नहीं होता, कहीं ना कहीं जरूर गिरफ्तार होना ही होता है। और आज वही एसओजी की टीम ने कर दिखाया, फिलहाल एसओजी की टीम उसको लेकर जयपुर रवाना हो गई है। विजेंद्र, इसको एक बड़ी सफलता माने, क्योंकि जिस तरीके से एसओजी की टीम लगातार उसको ट्रेस कर रही थी, एमपी में होने की बातचीत थी, फिर उत्तराखंड में होने की बातचीत, एक बेहतर समन्वय यहां पर दिखाई दिया। क्या मोबाइल की लोकेशन के आधार पर बत्तीलाल तक पहुंचा गया या फिर सोर्स कुछ और थे जिसके जरिए बत्तीलाल को पकड़ा गया?
इसलिए देखिए बत्तीलाल मीणा काफी शातिर किस्म का इंसान है, वो अपने साथ मोबाइल नहीं रखता। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अपने साथ मोबाइल नहीं रखता, उसको पता है कि एसओजी की टीम मोबाइल को मोबाइल लोकेशन का दावा गिरफ्तार कर सकती है, वो मोबाइल का उपयोग नहीं करता। लेकिन मैनमेली पुलिस का आधार मानते हुए एसओजी ने कड़ी से कड़ी मिलाई, परिजनों से बात करी, उसके दोस्तों से बात करी, उसके दोस्तों को भी पूछताछ करी, उसके बाद में जो तीन दिन से लगातार ट्रैक करती हुई बाकायदा कड़ी से कड़ी मिलने से बत्तीलाल तक पहुंची है। एक बात और विजेंद्र की, सोशल मीडिया के जरिए जो लाखों विद्यार्थियों लाखों परीक्षार्थी थे, रीत परीक्षार्थी, उन्होंने कैंपेन चलाया था कि बत्तीलाल मीणा गिरफ्तार होना चाहिए, होना चाहिए। तो काफी अधिक प्रेशर था एसओजी की टीम के ऊपर और एसओजी की टीम ने लगातार दिन रात मेहनत करी है। खुद अशोक राठौर जो एडीजी है एडीएम एसओजी के, वो भी रात करीबन 11-11 बजे तक ऑफिस में बैठे थे और रोजाना जो आदेश जो प्रगति हुई है उसका वो पूरा ग्राउंड लेते थे कि अच्छा टीम कहाँ तक पहुंची। आज ये सफलता काफी राहत की बात हो लाखों लोगों के लिए भी जिन्होंने रीत की परीक्षा दी है, उनको भी आज कहीं ना कहीं अच्छा लगेगा। हाँ, अब तो मुख्य तांडी का मुख्य आरोपी है वो एसओजी के हाथ आ गया। अब देखिए इसमें जो पर्चे खुलेगी वो देखने वाली बात होगी।